लिए दोस्तों पेश है एक और लाजवाब टेस्टी चिकन पाव की रेसिपी, जिसे आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं और इसे खाने में जो मज़ा आने वाला है उसके क्या कहने। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि घर पर आसानी से ये रेसिपी आप कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हमने लिया है बोनलेस चिकन और इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब अपने चिकन को हम करेंगे मैरिनेट। इसके लिए हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, कर्ड एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और इसे मैरिनेट होने के लिए लगभग आधे घंटे तक छोड़ दें। अब लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे बटर, साथ ही साथ इसमें डालें गार्लिक और इसको हल्का सा सॉटे कर लें लगभग ब्राउन होने तक। अब इसमें ऐड करें रेड चिली पाउडर और हल्का सा पका लें, साथ ही साथ इसमें ऐड करें फ्रेश कोरिएंडर्स। तो ये तैयार हो गई हमारी सॉस, जिसे हम बाद में अपने पाव पे लगा के ग्रिल करेंगे, तो इसको अलग से रख लेते हैं। अब पकाते हैं हम अपने मैरिनेटेड चिकन को, जिसे हमने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था मैरिनेट होने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले लेंगे हम प्याज और उसको हल्का ट्रांसलूसेंट होने तक पकाएंगे। इसमें डालें हरी मिर्च, ऐड करें टमाटर, अब इसको ढक कर लगभग 2 मिनट तक पकने दें। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो टमाटर है वो अच्छी तरीके से गल चुका है। अब इसमें ऐड करें अपने मैरिनेटेड चिकन को, इसको 2 मिनट तक हल्का सा फ्राई करें और उसके बाद इसको ढक करके पका लेंगे। चिकन को दोस्तों हमें लगभग 5 मिनट तक ढककर पकाना है। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। अब आप देखेंगे कि हमारा जो पानी है चिकन का वो बिल्कुल सूख चुका है और चिकन भी अच्छे से पक चुका है। अब इसमें ऐड करें चाट मसाला, सिरका जो इसको खट्टापन देगा, और एंड में ऐड करेंगे धनिया पत्ता और थोड़ा सा पुदीना। अच्छे से मिक्स करें। ये धनिया और पुदीने की वजह से है दोस्तों हमारा जो चिकन पाव है उसका टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त आने वाला है। अब लेंगे अपना बिल्कुल फ्रेश पाव और इसको बीच से कट कर लेंगे और इसमें अप्लाई करेंगे बटर। बटर लगाने के बाद दोस्तों हमने जो अभी चिकन कुक किया है वो इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। चिकन अच्छे से स्टफ करने के बाद इसके ऊपर से हम रखेंगे चीज स्लाइस को। अब पाव को करें बंद और बस इसको करना है अब हमें ग्रिल।
इसके लिए हम लेंगे पैन और उसमें डालेंगे अपने बनाए हुए सॉस को, जो हमने स्टार्टिंग में बटर और गार्लिक का सॉस बनाया था। इसको पाव के ऊपर भी अप्लाई कर दें और अच्छे से दोनों तरफ से इसको ग्रिल कर लें। तो ये देखिए दोस्तों, क्या बढ़िया तरीके से हमारा चिकन पाव ग्रिल हो चुका है, आ रहा है ना मुंह में पानी। इसको बीच से कट कर लें और गर्मा गर्म सर्व करें। आई होप दोस्तों ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करते रहें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय।